नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर सियासी गलियारों से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। केजरीवाल और अखिलेश यादव की मुलाकात होगी, लखनऊ में ये मीटिंग होने वाली है। अखिलेश यादव से मिलेंगे, केंद्र सरकार के बिल को लेकर बातचीत होगी। राज्यसभा में बिल को नामंजूर कराने में आम आदमी पार्टी लगातार कवायद कर रही है। लोकसभा चुनावों को लेकर के भी बातचीत इस दौरान हो सकती है। केजरीवाल के साथ मीटिंग में मौजूद रहेंगे सीएम मान, डेलीगेशन में राघव चड्ढा और आतिशी भी मौजूद रहने वाले हैं। मीटिंग के बाद दोनों नेता मीडिया से मुखातिब होंगे। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, राज्यसभा में अभी 11 बीजेपी दल के सदस्यों की तादाद ज्यादा है। राज्यसभा में बीजेपी के कुल 93 सदस्य हैं, बीजेपी के सहयोगी दलों के सदस्यों की तादाद 12 है। इसी तरीके से सत्ताधारी दल की कुल तादाद यानी कि संख्या बल पर अगर आप जाएंगे तो ये संख्या बल है 105 और पूरे विपक्षी दल के सदस्यों की संख्या 133 है। सभी विपक्षियों को बिल का विरोध करने के लिए मनाने में जुटे हुए अरविंद केजरीवाल, ताकि जो अध्यादेश लाया गया है उसको राज्यसभा में नामंजूर कराया जा सके। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये। नमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नमित, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बड़ी कवायद करने में जुटे हुए अरविंद केजरीवाल, इसमें अखिलेश यादव से आज मुलाकात होगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बैठक बेहद खास मानी जा रही है। देखिए, बिल्कुल, जो केंद्र सरकार का जो अध्यादेश है उसके खिलाफ लगातार जो अरविंद केजरीवाल हैं वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं का समर्थन मांग रहे हैं। उसी कड़ी में आज 12 बजे के बाद मुख्यमंत्री लखनऊ पहुंचेंगे और वहां अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। क्योंकि सड़क पर जहां महारैली की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही है, रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आम आदमी पार्टी कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े नेताओं से अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं और उसी कड़ी में आज अखिलेश यादव से मुलाकात है। लेकिन बार बार यही सवाल उठा है कि कांग्रेस का साथ अभी तक नहीं मिला है आम आदमी पार्टी को। दूसरा सवाल ये है कि क्या जो एनडीए के गठबंधन की पार्टियां हैं क्या उस पर साथ में मिलेगा आम आदमी पार्टी को? तो कई ऐसे सवाल है, लेकिन निश्चित तौर पर सबकी निगाहें हैं इस बैठक पर, क्योंकि बड़ी बैठक है अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की और ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों की जब ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या बातें निकल कर आएंगी। बिल्कुल, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें क्या बातें निकल करके आएंगी, ये इस पर सभी की नजर रहने वाली है। नमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो विपक्षियों की कवायद लगातार राज्यसभा में संख्या बल को प्रदर्शित करने की, एकजुटता को प्रदर्शित करने की है, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल खुद कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली ने लगभग 8 सालों तक अपनी जंग लड़ी, जिसके बाद उन्हें वो अधिकार मिला जिसकी वो मांग कर रहे थे, लेकिन एक अध्यादेश ला करके केंद्र सरकार ने उसको शक्तिविहीन कर दिया। इस बीच यूपी से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। यूपी के नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा में आज जेपी नड्डा टिफिन बैठक करने वाले हैं। बीजेपी अध्यक्ष बैठक में शिरकत करेंगे, अध्यक्षता होगी। टिफिन बैठक सेक्टर 51 स्थित एलपीएस स्कूल में होने वाली है, जिसमें वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। बैठक 2024 की तैयारियों के मद्देनजर बेहद खास होने वाली है। खास क्यों है वो भी समझ लीजिए, 2024 की तैयारियों से जुड़े मंत्र देंगे नड्डा। साथ में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में 185 पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। टिफिन बैठक हर लिहाज से बेहद खास होने वाली है। तो बीजेपी नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कवायद में जुटी हुई है। इस बैठक के जरिए पुराने और सम्मानित कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका को एक बार फिर से एक्टिव करना चाहती है बीजेपी, यानी कि जो रूठे हुए हैं उनको मनाएंगे और उनको काम में लगाएंगे। बैठक में क्षेत्र में रहने वाले पूर्व सांसद शामिल होंगे। पूर्व मंत्री से लेकर मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों को शामिल करने की कवायद की जाएगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिले के सभी जनप्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बैठक में कुल 185 पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है कि वो बैठक में आए,
अगर रूठे हैं तो उनको मनाया जाएगा, बैठक में शामिल किया जाएगा। देखिए बीजेपी अलग तरीके की कार्यकारिणी के लिए जानी जाती है, यानी कि जो रूठे हैं उनको समय आने पर मना लेने के लिए जानी जाती है। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में बाइक टैक्सी सर्विस पर रोक लगाने की मांग हो रही है। रोक लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खबर, अहम जानकारी। केजरीवाल सरकार ने ओला उबर रैपिडो सर्विस पर रोक लगाने की मांग लगातार की है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली परिवहन विभाग ने कंपनियों को निर्देश भी दिए थे। निर्देश इस बात के दिए गए थे कि बहुत ही नियमों के साथ बाइक सर्विस प्रोवाइड की जानी चाहिए, लेकिन पिछले दिनों देखने को मिला जिस तरीके से जो बाइक सर्विसेज हैं, रैपिडो बाइक सर्विसेज, उनमें नियमों की अनदेखी की गई है, जिनके चलते एक्सीडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए केजरीवाल सरकार लगातार बाइक सर्विसेज को होल्ड करने की मांग करती रही है। ओला उबर और रैपिडो की बाइक सर्विस पर रोक लगाने की मांग केजरीवाल सरकार की तरफ से नई नहीं है, लेकिन इस मांग पर हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। आज इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। इस बीच राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। दो शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जामिया नगर में दो बच्चों के शव मिले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी। एक गोदाम में बक्से में 12 और 13 साल बच्चों की उम्र बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है गंभीरता से। जामिया नगर में दो बच्चों के शव मिले, एक गोदाम में बक्से में दोनों बच्चों के शव मिले हैं, जिनकी उम्र 12 और 13 साल आंकी जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली में दो शव मिलने से सनसनी फैल गई। जामिया नगर में दो बच्चों के शव मिले हैं, एक गोदाम में बक्से में मिले हैं दोनों बच्चों के शव, 12 और 13 साल के बच्चों के शव हैं ये। एक गोदाम में बक्से में दोनों बच्चों के शव मिले हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से जामिया नगर में दो बच्चों के शव मिले हैं। राजधानी दिल्ली का ये पूरा मामला और इन बच्चों के शव बक्से में मिले हैं। क्या थी पूरी घटना, अभी तक पूरी घटना का पता नहीं चल पाया है। तो दिल्ली में दो शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। अली हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अली, क्या कुछ अपडेट है? दिल्ली में लगातार घटनाओं पे घटनाएं हो रही हैं और एक बार फिर से बच्चों के शव मिले हैं जामिया नगर में। देखिए बिल्कुल पूजा, ये पूरा मामला दिल्ली के पटला हाउस इलाके का है, जहां दो मासूम बच्चों का एक संदूक में शव मिला है। ये आशंका जताई जा रही है परिवार की तरफ से, क्योंकि दोपहर 3 बजे से मिसे और देर रात उनके शव मिले हैं। तो ये आशंका जताई जा रही है कि आस पड़ोस में किसी ने तो घटना को अंजाम नहीं दिया, या बच्चों ने खेलते खेलते तो कहीं ऐसा नहीं किया है कि खुद संदूक में छुप गए हों। हालांकि तमाम पहलुओं को दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़ी इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई, क्योंकि दोनों बच्चे, एक बच्ची की उम्र करीब 10 साल है और दूसरे बच्चे की उम्र 11 साल है, यानी दोनों ये बहन भाई थे जो दोनों के शव मिले हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अली, अली ने बताया कि दोनों बच्चे भाई और बहन थे जिनके शव मिले हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक ही गोदाम में और एक बक्से में ये शव मिले हैं। घटना को किसने अंजाम दिया, किस वजह से अंजाम दिया गया, फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है।
इस बीच महाराष्ट्र के मुंबई से बड़ी खबर अहम जानकारी सामने आ रही है। गर्ल्स हॉस्टल में युवती का शव मिला है, रेप करके हत्या की आशंका जताई जा रही है। जानकारी आपको दे रहे हैं, हॉस्टल में काम करने वाला एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। इधर शव मिलता है, इधर हॉस्टल में काम करने वाला एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। फिलहाल मामले की गंभीरता से जांच भी हो रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, हॉस्टल में काम करने वाला एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस, रेप करके हत्या की आशंका मामले में जताई जा रही है। फिलहाल मौके से हॉस्टल में काम करने वाला एक व्यक्ति फरार है और पुलिस इसको रेप करके हत्या करने की आशंका के साथ देख रही है। गर्ल्स हॉस्टल में युवती का शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। शुभम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शुभम, क्या कुछ था ये पूरा मामला, अभी तक क्या कुछ जानकारी आप जुटा पाए हैं? देखिए, मुख्य चलपीड़ इलाका बहुत पॉश इलाका है और यहाँ पर एक 19 साल की लड़की का जो शव है वो हॉस्टल से बरामद हुआ है। हालांकि ये जो शुरुआती जांच है उसमें ये बताया जा रहा है कि शायद उसे मारा गया है, क्योंकि उसका जो गला है वो दुपट्टे से लटका हुआ मिला था, पंखे से लटका हुआ मिला होता। उसके बाद उसकी जानकारी सामने, शायद उसका महिला का रेप करके उसकी हत्या कर देगी। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस FIR दर्ज करके आगे की जांच में जुट चुकी है। लेकिन इस तरह से 19 साल की लड़की की हत्या, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है मुंबई पुलिस के ऊपर भी कि आखिर कैसे एक जो हॉस्टल की सिक्योरिटी पे भी बड़ा सवाल होता है, क्योंकि मुंबई जिस इलाके में ये हत्या हुई है वो बहुत ही पॉश इलाका है, बगल में मरीन ड्राइव है और आसपास बहुत सारे कॉलेजेस है। ऐसे में हॉस्टल्स बहुत है, हॉस्टल की सिक्योरिटी पे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ऐसी कैसे ये हत्या हो सकती है कि कमरे में एक 19 साल की लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है और आरोपी फरार हो जाता है। फिलहाल आसपास जो सीसीटीवी लगे थे उनकी निगरानी से आरोपी की जो है वो तलाश की जा रही है। शुभम, क्या इस फरार व्यक्ति की अभी तक जांच हो पाई है, कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी तक पता नहीं चल पाया है। जो नजदीकी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन है वो आरोपी की तलाश में जुट चुकी है, सीसीटीवी खंगाल रही है और जैसे ही कोई सुराग आरोपी के पास लगेगा, पुलिस के हाथ लगेगी, तुरंत पुलिस उसे धर दबोचेगी। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा सवाल हॉस्टल की सिक्योरिटी पे खड़ा होता है, क्योंकि अमूमन इस इलाके में बाहर से लड़कियां ज्यादा पढ़ने आती है, क्योंकि बगल में लॉ कॉलेजेस है और बड़े बड़े तमाम बड़े कॉलेजेस है मुंबई शहर के, तो ऐसे में हॉस्टल से भी सिक्योरिटी सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल और रह जाता है, ये जो फरार व्यक्ति है इसकी एग्जैक्टली भूमिका हॉस्टल में क्या थी? देखिए, इसकी इसका पता तो नहीं चल पाया है, लेकिन क्योंकि ये हॉस्टल से जो लड़कियां होती हैं उनके कुछ पुरुष जो हैं वो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो ऐसे में लोगों का आना जाना वहां पर उस इलाके में लगा रहता है, तो ऐसे में ये जांच का विषय होगा। उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि उस लड़की के साथ उस लड़के का क्या रिश्ते थे, क्या उसका वो फ्रेंड था, क्या कॉलेज फ्रेंड था या किसी और चीजों को लेकर बहस हुई थी, उसके बाद ही चीजें पता चल पाएगी। बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल इस व्यक्ति का रोल अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है, पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार जो व्यक्ति फरार है उसकी भूमिका, उसका रोल एग्जैक्टली क्या था हॉस्टल के अंदर, क्या वो इस लड़की का फ्रेंड था या फिर हॉस्टल के अंदर ही काम किया करता था, अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं हो सका है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको MP से भी देंगे। MP के सीहोर से बड़ी खबर सामने आ रही है, 300 फीट गहरे बोरवेल में बच्चे को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। SDRF और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ये अपडेट तस्वीरें हैं जिनके जरिए आपको समझ में आएगा कि प्रशासन कितना ज्यादा एक्टिव मोड में है। 27 फीट खुदाई की गई है, ये कहना है DM का। बोरवेल में कोई हलचल महसूस नहीं की जा पाई है अभी तक। मध्य प्रदेश के सीहोर से बड़ी घटना सामने आ रही है, 300 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची गिर गई है। मासूम को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए SDRF और साथ में प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी ग्राउंड ऊपर मौजूद है।
तो बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर से। देखिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तमाम टीमें ग्राउंड जीरो पर मौजूद, मशीनरी भी मौजूद है, साथ में बच्ची के परिजन राह ताक रहे हैं कि कब उनकी बच्ची इस बोरवेल से बाहर आ पाएगी। अभी हम लोग रात भर इसमें हमने एक्सकवेशन किया है, लेकिन हार्ड स्ट्रेटा है लगातार, तो थोड़ा प्रगति स्लो है और हम लोग अभी लगभग 26-27 फीट पे पहुंच पाए हैं, लेकिन मशीनें लगातार लगी हैं, वर्किंग स्पेस बना रही हैं और काम चल रहा है। एनडीआरएफ टीम ने एक और कन्वेंशनल तरीका अपना रहे हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि चूँकि हार्ड स्ट्रेटा की वजह से समय लग रहा है, यदि उसमें सफलता मिलती है तो हमें जल्दी ही हम लोग बच्ची को सकुशल निकाल पाएंगे। देखिए चूँकि समय ज़्यादा हो गया तो रिस्पॉन्ड तो बच्ची अभी ज़्यादा नहीं कर रही है, लेकिन हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं जिस डेप्थ पे वो है, लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है, तो हमें उम्मीद है कि हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस को लेकर बड़ी खबर ये कि पटरियों पर फिर से कोरोमंडल एक्सप्रेस एक बार फिर से दौड़ती नजर आई है। बाहानागा बाजार स्टेशन से है ट्रेन देखने के लिए, इस दौरान लोगों की भारी तादाद भी नजर आई। 2 जून को हादसे का शिकार हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस एक बार फिर से पटरियों पर नजर आई है। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं क्योंकि देखिए जब भी कहीं पर बड़ा हादसा होता है, भीषण हादसा होता है, विभत्स हादसा होता है, उसके बाद जिंदगी के ढर्रे पर आने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है और वो समय एक बार फिर से कोरोमंडल ने देखा। ट्रेन हादसे में 288 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटना स्थल से जब निकली तो लोग कोरोमंडल एक्सप्रेस को देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। सबसे सुरक्षित ट्रेनों में से एक ट्रेन मानी जाती है कोरोमंडल एक्सप्रेस। हालांकि इसमें कोई दोराय नहीं कि कोरोमंडल एक्सप्रेस एक बार और ओडिशा में ही हादसे का शिकार हो चुकी है और 2 जून को दोबारा कोरोमंडल में ही हादसा हुआ था। बाहानागा बाजार स्टेशन से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजरी और जिस दौरान दुर्घटना स्थल से ये ट्रेन गुजर रही थी, सभी लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में बचाव अभियान पूरा हो चुका है। घायल यात्रियों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया और कई लोगों को छुट्टी भी दे दी गई है। अब ओडिशा सरकार के सामने बड़ी चुनौती शवों की पहचान की है। भुवनेश्वर नगर निगम के कमिश्नर विजय अमृता कुलंगे ने कहा है कि शव सौंपने में देरी हो रही है क्योंकि कुछ रिश्तेदार शव लेने आ रहे हैं जिनका ब्लड रिलेशन नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए डीएनए टेस्ट जरूरी है, इससे प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी। तो ओडिशा हादसे में, ट्रेन हादसे में बचाव अभियान तो पूरा हो गया है, लेकिन इसके बाद जो दूसरा दुख, दूसरा दर्द परिजनों के हिस्से में भी और सरकार के हिस्से में भी आता है, वो है शवों की सुपुर्दगी का। इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर, बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर 4.3 इसकी तीव्रता रही है, किसी के हताहत होने की फिलहाल खबर नहीं है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.3 रही है। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस बीच गोवा से बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गोवा में G20 की बैठक का आगाज हो रहा है। बड़ी खबर अहम जानकारी, बैठक में अर्थव्यवस्था को लेकर विस्तार से
पहले दिन कुल 3 सत्रों का आयोजन होगा। बैठक में 100 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में अर्थव्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। पहले दिन कुल 3 सत्रों का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं गोवा से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर G20 IFA WG की बैठक होगी। बैठक में इकोनॉमी को लेकर विस्तार से चर्चा होने वाली है और फर्स्ट डे की अगर बात करेंगे तो 3 सेशंस होने वाले हैं। फर्स्ट डे 3 सेशंस होंगे। G20 में इकोनॉमी को लेकर डिस्कशन होने वाला है गोवा में और इस डिस्कशन के लिए फर्स्ट डे 3 सेशंस भी होने वाले हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी देते हैं राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी हुई। आज से सर्बिया के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सर्बिया पर द्रौपदी मुर्मू पहुंचने वाली हैं। अलेक्जेंडर वूसिक ने निमंत्रण दिया है। 4 से 6 जून तक सूरीनाम दौरे पर थी राष्ट्रपति और अब सर्बिया का रुख उन्होंने किया है। सूरीनाम के बाद सर्बिया जाएंगी राष्ट्रपति। सर्बिया के राष्ट्रपति ने निमंत्रण भेजा था जिसके बाद रवाना हो चुके हैं सर्बिया के लिए। अलेक्जेंडर वूसिक ने निमंत्रण दिया था जिनके निमंत्रण पर राष्ट्रपति सर्बिया दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान बड़ी खबर को मिली है। 2 बदमाश घायल हो गए। मौके से भारी तादाद में हथियार भी बरामद हुआ है। 48,000 रुपए नकदी भी बरामद हुई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से दे रहे हैं जहां पर बदमाशों से मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल हो गए। मौके से भारी तादाद में हथियार भी बरामद हुए। 48,000 रुपए नकदी भी बरामद की गई है। यूपी से ही बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ताबड़तोड़ दौरा। बांदा और फतेहपुर का दौरा करेंगे ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक सुबह 11 बजे बांदा पहुंच जाएंगे। मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। दोपहर को 2 बजे की अगर बात की जाए तो बांदा के बाद फतेहपुर का रुख करेंगे ब्रजेश पाठक। फतेहपुर में भी मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करने के लिए ब्रजेश पाठक का ये अहम दौरा है। बांदा और फतेहपुर के दौरे पर रहेंगे ब्रजेश पाठक। 11 बजे बांदा पहुंच जाएंगे जहां पर मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। दूसरी तरफ 2 बजे की अगर बात करें तो 2 बजे कार्यक्रम शेड्यूल है फतेहपुर के लिए जहां पर ब्रजेश पाठक नजर आएंगे, मोर्चा सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी की अगर कार्यशैली को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा बीजेपी पहले से पूर्व तैयारी में विश्वास रखती है और बीजेपी ने 2024 चुनावों की तैयारियों का शंखनाद ग्राउंड जीरो पर तो कर दिया है। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कवायद, उनमें जान फूंकने की कवायद, उनको सक्रिय करने की कवायद बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। जिलेवार ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हीं जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आज बांदा और फतेहपुर का रुख करेंगे ब्रजेश पाठक। 11 बजे के करीब, लगभग 11 बजे बांदा का रुख करेंगे जहां पर मोर्चा सम्मेलन में तमाम कार्यकर्ताओं में जान फूंकते नजर आएंगे। दूसरी तरफ 2 बजे के करीब फतेहपुर का रुख करने वाले हैं।